राज्यसभा और उपचुनाव से पहले सीएम शिवराज और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स से एमपी में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसे सामान्य मुलाकात ही बताया। देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार एक बार फिर टल गया है। 19 जून को राज्यसभा चुनाव होना है। ऐसे में आज सुबह अचानक जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा के 4 इमली स्थित निवास पर मुलाकात करने पहुंचे तो मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों ने फिर जोर पकड़ लिया। हालांकि यहां उन्होंने साथ में नाश्ता किया। मिश्रा ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इसके बाद दोनों के बीच चर्चा भी हुई। गृह मंत्री के बंगले से बाहर आने पर पत्रकारों से बातचीत में शिवराज ने कहा, मैं मुख्यमंत्री हूं, वे गृह मंत्री हैं। सालों से युवा मोर्चा के जमाने से हम साथ काम करते आए हैं। नरोत्तम जी का बहुत दिनों से आग्रह था कि मैं घर पर आऊं। लंबे समय से नाश्ता ड्यू था, इसलिए आज आया हूं। यूं तो हम रोज मंत्रालय में मिलते ही हैं। मैं तो सुबह से लेकर देर रात तक वल्लभ भवन में ही रहता हूँ। मैं मुख्यमंत्री हूँ, वो गृह मंत्री है। बरसों से युवा मोर्चे के जमाने से साथ काम कर रहे हैं। उनका बहुत दिनों से आग्रह था कि मैं घर पे आऊँ, ड्यू था बहुत दिनों से, इसलिए आज नाश्ता करने आए और गप तो हम लगाते ही हैं। माना जाता रहा है कि शिवराज और नरोत्तम के बीच आगामी विधानसभा उपचुनाव और राज्यसभा के चुनाव को लेकर चर्चा हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।